हेलो साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और ऐसे ही अपनी धमाकेदार क्लासें आती रहेंगी। आज का अपना पहला सवाल है, दबाव को किससे नापा जाता है? किससे नापा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा बल एवं क्षेत्रफल से, राइट हो जाएगा दोस्तों डी। फिर अपना अगला सवाल है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल निम्नलिखित में से किस झील के मध्य स्थित है? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमृत सरोवर झील, बी आपका हो जाएगा राइट। फिर अपना अगला सवाल है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, सी हो जाएगा आपका राइट। फिर अपना अगला सवाल है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? कितनी होती है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 2000 से 8000, ये हो जाएगा आपका राइट। फिर अपना अगला सवाल है, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया? क्या सवाल है दोस्तों? आयोजित किया गया, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों सी 1974, सी हो जाएगा आपका राइट। फिर अपना अगला सवाल है, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेगमोमैग्नेटोमीटर, स्पेगमोमैनोमीटर, ठीक है आपका राइट हो जाएगा बी। फिर अपना अगला सवाल है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2012, सी हो जाएगा राइट। फिर अपना अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा दोस्तों डी पश्चिम बंगाल, डी हो जाएगा राइट। फिर अपना अगला सवाल है, एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी 350, आपको कहीं लिखी हुई तो नहीं मिलेगी लेकिन 300+ ही होती है, तो आपका राइट हो जाएगा 350। फिर अपना अगला सवाल है, भूटान की राजभाषा कौन सी है? भूटान की राजभाषा कौन सी है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा जोंग का, राइट हो जाएगा दोस्तों डी।
फिर अपना अगला सवाल है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1526, सी हो जाएगा राइट। फिर अपना अगला सवाल है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित में से किस में स्थित है, कौन से राज्य में हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? ये आपका राइट हो जाएगा। फिर अपना अगला सवाल है, भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, सी हो जाएगा राइट। फिर अपना अगला सवाल है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, मतलब क्या नाम था इसका, क्या कोड था दोस्तों? कोड था ऑपरेशन सत्य, राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना, कब बना था दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2010, राइट हो जाएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय द्वारा, किससे होता है दोस्तों? अग्नाशय अग्नाशय द्वारा, राइट हो जाएगा दोस्तों डी। फिर अपना अगला सवाल है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है, किसका हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तना, राइट हो जाएगा सी। फिर अपना अगला सवाल है, न्यून में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, किसने कहा था दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अरस्तु, राइट हो जाएगा सी। फिर अपना अगला सवाल है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, कितनी बार धड़कता है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 72 बार, कितनी बार? 72 बार। फिर अपना अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी, जनवरी। फिर अपना अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, किसने की थी दोस्तों? सीकरी की मात्रा हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये होगी। किसने की थी दोस्तों? फतेहपुर सीकरी की स्थापना, आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, राइट हो जाएगा बी। फिर अपना अगला सवाल है, गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है?
आंसर हो जाएगा मिथेन। फिर अपना अगला सवाल है, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर है दोस्तों? इसमें आपको आप लोग अंदाजा लगाओ तो भी सही हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा। आशा करता हूँ कि काफी लोगों ने सही किया होगा। फिर अपना अगला सवाल है, टिम साउथी किस देश के खिलाड़ी है? किस देश के खिलाड़ी है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। फिर अपना अगला सवाल है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा सुने जाते हैं? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।